तो यार सिर्फ एक गेम प्ले बनाने के लिए हमको बहुत सारे गेम्स खेलने पड़ते हैं, एंड जरूरी नहीं होता कि हर गेम में आप अपना जो है गेम प्ले निकाल लो। तो ऐसे में बहुत बार ऐसी क्लिप्स जमा हो जाती हैं जो कि वेस्टेज रहती हैं। तो मैंने सोचा यार आज आपको वो वाले गेम प्ले भी दिखाते हैं जिनमें जो है गेम प्ले नहीं बनता, लेकिन उसके बाद हम उन गेम प्ले को डिलीट कर देते हैं। तो मैंने सोचा यार उनको डिलीट करने से अच्छा आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा क्या होता है उन गेम प्ले में जो जिनको हम बाद में जो है डिलीट करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे कुछ गेम प्ले देखो ऐसे होते हैं कि जो है एकदम पूरे प्रॉपर किल्स उसमें नहीं होते, तो दैट्स व्हाई जो है वो हमें डिलीट करना पड़ता है। कई बार जो है उसमें लॉबी खराब आ जाती है तब डिलीट करना पड़ता है, कई बार जो है हैकर आ जाते हैं, ऐसा अनेकों रीज़न रहते हैं एक गेम प्ले को डिलीट करने के। लेकिन मैंने सोचा यार आज आपको वो चीज़ दिखाई भी जाए कि क्यों जो है गेम प्ले डिलीट किया जाते कुछ। अब एक बंदा सामने था तो मैं ऊपर गया नहीं क्योंकि मेरी हेल्थ और वेस्ट दोनों ही नहीं थी, तो मैंने अपने पार्टनर पे रिलाई किया एंड उसने जो है उसको जो है इजीली मार दी, वो भी पिस्टल से ही। तो मैं अगर वो नहीं भी मार पाता तो मैं पीछे से था मतलब उसको कवर देने के लिए। फिलहाल यहाँ से मेरे को कुछ बंदे दिखते हैं। अब पोचिंग के बिना जितने बंदे आ रखे थे ठीक ठाक थे, तो एक दो मारे मैंने, उसके बाद एक दिखता है मेरे को। अब मेरे को नहीं पता नहीं क्या क्यों जा रहा उस तरफ, मैंने फायर किया उस पर लेकिन वो जो है थोड़ा और दीवार के साथ सट के बैठ जाता है एंड ये अपने भाई कह सकते फ्री का किल दे। अब ये तो निकला फ्री का किल, लेकिन एक चीज़ आप नोट करोगे हम बिल्कुल भी जो है टाइम वेस्ट नहीं करते, एक लिटरली एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करते। सीधा आया मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठा और यहाँ से सीधा चलते अपन अपार्टमेंट्स, क्योंकि वहाँ पे बंदे होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेके आपको मैं बताना चाहूँगा कि गाइज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, अगर आपको बीच में कभी वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इसके अलावा आप जो है लाइक भी कर देना वीडियो को, और अपन पहुंच चुके इतनी देर में रोजोंग। अब रोजोंग में पहुंचे तो यहाँ पे ना जो भसड़ मचती है ना लिटरली बड़ी ही तगड़ी वाली भसड़ मचती है। पहले तो मेरे को कोई किल नहीं मिलता और यहाँ पे मेरी टीम की जो गलतियाँ हैं ना देखो, सीधा आए हम सीधा घुस गए, कोई किसी के ऊपर वेट नहीं कर रहा, कोई किसी का वेट नहीं कर रहा, सब अपने अपने रास्ते हैं, सबको किल चाहिए, सब अपने अपने रास्ते। अब यहाँ तक ठीक था, अब आगे आगे जैसे मैं इन टीम को मारने के लिए जाता हूँ ना तो मेरी टीम और ज़्यादा बिखर जाती है, और आपको पता है अगर टीम भी करती है तो पूरा मैच भी कर जाता है। और ऐसे एक एक करके नॉक होने, फिलहाल यहां तक तो हम मार रहे थे लेकिन सडनली टीम आती है एंड कहीं ना कहीं अपार्टमेंट की हर बिल्डिंग में कोई ना कोई है। यहाँ पे ना मेरी पूरी लेवल 1 की वेस्ट खत्म हो चुकी थी और मेरी हेल्थ भी आप देख सकते हो, मेरे टीममेट जो है नॉक पड़े बाहर। और यहाँ पे अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना, मेरी हेल्थ है ना मेरी वेस्ट, मैं अगर बाहर जाऊँगा तो ये जो खिड़की पे बंदा खड़ा है ये मेरे को मार देगा, बल्कि उस बिल्डिंग के नीचे भी बंदे हैं। अब मैं सोचा यार क्या किया जाए, यहाँ से कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन एक टीममेट बच रहा था उसको भी इसने फिनिश कर दिया। तो सबसे पहले मैं इसको उड़ाता हूँ, अब मैं इसको मेरे को इसकी वेस्ट चाहिए थी तो थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि सामने खिड़की थी और आपको पता भाई खिड़की से इजीली जो है एंगल बन जाता है। फिलहाल मैंने सबसे पहले तो यहाँ से जो है वेस्ट इसकी भी खत्म हो रही थी पूरी पूरी, मैंने बोला अभी इसी वेस्ट में काम चलाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने हील किया, इस टीम को मैं मारना चाहता था बट मैं पीछे वाली बिल्डिंग में आ जाता हूँ, ये पूरे के पूरे चार बंदे रश कर देते हैं। अब देखो फेल क्लच यहाँ पे, हर एंगल से मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। फिलहाल मैं यहाँ पे आ गया, मैंने सोचा यार एक आधे को खा जाऊंगा, अगर अव्वल तो ट्राई करूंगा, दो बंदे आते हैं ठीक इनके। अब मैं दो बंदों को सोच के रश करता हूँ, अब मैंने जब ऊपर आते समय बंदे देखे थे दो थे, लेकिन भाई जब दो बंदों को नॉक करते तीसरा बंदा भी आ गया भाई। फिलहाल ये वाला जो मैच है इसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स थे ठीक है, मैं बंदूकबाज फारूफ लेजेंड, मतलब मेरी टीम में नहीं थे ये लोग, सब ऑपोजिट में थे, सब यूट्यूबर एक दूसरे के ऑपोजिट में खेल रहे थे। अब देखना था कि भाई यहाँ पे इस मैच में होने क्या वाला है। देखो हम उतरे थे जर्की में, आपने शायद ही मैच पहले देखा हो कहीं पे, लेकिन मेरी चैनल पे पहली बार आ रहा है ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ना एक टीम उतर रखी थी, आई डोंट नो हमको नहीं पता था वो किसकी टीम है, तो हम उतरे, चलो देखते भाई कि ये वाली जो पहली टीम है। अब यहाँ पे जो भी टीम है ठीक है, अगर वो हमको मारेगी तो पता चल जाएगा, रिवील हो जाएगा वो कौन सी टीम है, या हम उनको नॉक करेंगे तो इजीली पता लग जाएगा। अब इस बंदे ने ना डंडा कर रखा था पूरा एकदम भाई, जहाँ से इसको एंगल मिल रहा था मारे जा रहा था ठीक है। अब होता क्या कि मेरी पूरी एचपी खत्म थी, सबसे पहले मैंने एचपी अपने आप को हील किया और मेरे को जो आईजीएल से बोल रखा था भाई देखो लोकेशन मत छोड़ना, जहाँ पे है वहीं पर रुक।
अब यहाँ पे पहला बंदा हमारा नॉक हुआ और सामने वाले ने नॉक किया, तो उनका भी जो है रिवील हो गया नाम वाम सब कुछ। अब हम वेट कर रहा था, मेरी लोकेशन थोड़ी सी यहाँ पे सीक्रेट थी, वो थोड़ा ढीला पड़ गया था मेरे को लेके, और यहाँ पे पहले को मैंने नॉक किया यहाँ पे। अब इतनी दूर से जितना हो सके मैं जो है यहाँ से नॉक डालने की ट्राई करता हूँ, बट कुछ ज्यादा हो नहीं पाता। अब इनके दो बंदे हम लेटा चुके थे, ठीक है, और वो भी हमारे बदले में दो बंदे लेटा चुके। फिलहाल इसको मैंने डैमेज किया वहाँ पे और वो जो है जोन से नॉक हो गया। अब आखिरी बचा हुआ है जो कि ऊपर है और वो जरूर जो है बचाने आएगा अपने टीममेट्स को। मेरा वाला किल नहीं आया, एंड में वेट कर रहा था और सच में आखिरी बंदे को भी मारे इनके, और ये वाली टीम जो है फेल दी हमने पूरी की पूरी, ठीक है। अब यहाँ पे जर की मैं तो ये वाले बंदे आ रखे थे, इनको हमने निपटाया, हमारा एक बंदा ये लोग जो है फिनिश कर गए थे पूरा पूरा। सो उसके बाद अपन निकल रहे थे, ठीक है, वहाँ से अपन निकले, बहुत हेल्थ कम बची हुई थी क्योंकि पहली फाइट को ही कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया था, जोन ज़्यादा ही दूर चला गया था, फ्यूल भी पूरा ख़त्म हो रहा था, और ऐसे में जो है हम सिर्फ जोन में जाने की सोच रहे थे और ये होता उस समय। अब बचने के चांसेस जीरो क्यों बोल रहा हूँ, हेल्थ बिल्कुल नहीं है मेरे पे, हेल्थ बिल्कुल नहीं है और गाड़ी भी नहीं है। मेरे एक टीममेट मेरे को लेने आता है, लेकिन एचपी देखो मेरी 5 HP 4 HP 3 फिर से 4 हो गई, फिर 3 2 1 HP अब 0 HP हो जाती है यहाँ पे, लेकिन 0 HP पे हम बच जाते हैं। और वहाँ पे अगर मैं नॉक हो जाता तो पूरी टीम ख़त्म हो जाती, पता क्यों, क्योंकि किसी के पास हेल्थ नहीं थी सिवाय एक बंदे के, वो जोन के अंदर था, तो हम दोनों के पास तो नहीं थी। फिलहाल हमने सबसे पहले तो एक एक बैंडेजेस एक दूसरे उधार ली और हील किया, जितना हो सके हील किया। यहाँ पे थोड़ी सी जो है मैंने ड्रिंक लगा रखी थी, और ड्रिंक लगाने के बाद हमारा जो मकसद था यार ये वाले जो मैच है ये कस्टम जो था इसमें, हमने सोचा यार एक काम करते टॉप पे फिनिश करेंगे, जितना हो सके टॉप 10 के अंदर आएंगे पहले, तो जो कि मुश्किल होता है थोड़ा सा यार ऐसे कस्टम्स में, आखिरी सर्कल में सब भसड़ मचती है, तो जिसकी किस्मत किस्मत जिसकी अच्छी रही वो बच जाता है इसमें जोन के कारण। अब हमको ये वाला घर मिलता है जहाँ से हम थोड़ा सा जो है दूर से ट्राई करते हैं देखने का लोगों को और एक आधे फिनिश निकालने का। अब यहाँ पे हम वेट करते हैं जोन का कि जोन जो है कब श्रिंक होता है, और हमको जाना था सामने वो जो जहाँ पे गाड़ी लगी हुई है वहाँ पे। अब मैं नीचे की साइड था, ऊपर से एंकल बन रहा था, लेकिन ऊपर से ना एक टीममेट हमारा एक बंदे को नॉक कर देता है सामने, एंड इतने देर में जोन भी वहीं बन जाता है। अब जोन वहाँ बना तो हमने सोचा जब जाना ही है तो अभी चलते हैं, तो बैठे हम और सीधा रश करने के लिए निकलते हैं, लेकिन गाड़ी का फ्यूल खत्म, और ऐसे टाइम पे यार ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वैसे मेरी गाड़ी का भी फ्यूल खत्म था, बट वहाँ पे होता क्या है कि मेरी गाड़ी तो अब गिर गई, तो इस गाड़ी में मैं फिर वो फ्यूल ही फेंक देता हूँ। अब फिलहाल हमने फ्यूल किया, वापस जाते हैं वहाँ पे स्लैम करते हैं, और ये वाली जगह को हम फिलहाल के लिए कब्जा लेते हैं, ये क्योंकि जोन के अंदर थी ये जगह। अब उस स्मोक में जो भी बंदे थे हमने जितने उसके नेट किए वो उधर से खिसक के निकल लेते चुपचाप, और उन लोगों का हम नॉक तो करने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो जो है ऊपर की साइड घरों में चले जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ना अपने आप के लिए कवर बना रहा था कि साइड से ना पड़ जाए, सो मैं कवर बनाते बनाते कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला जाता हूँ, और गाड़ी कुछ ज़्यादा ऊपर जा चुकी थी, तो मैं खुद नीचे उतर के आ गया ताकि मैं कहीं नॉक ना हो जाऊँ, अदरवाइज जो पूरी टीम के ऊपर रश होने की संभावना बढ़ जाती है ऐसे में। फिलहाल यहाँ पे बड़ा ही नैरो हमारे पास जो है कवर था जहाँ पे हम थे, और इस साइड से पूरा एक्सपोज हो रखे थे, लेकिन पेड़ थे उस तरफ भी, और पूरी टीम डिस्कशन करी थी आगे करने का, लेकिन इतनी देर में हम पे रश होता है, और मैं स्मोक करने की ट्राई करता हूँ ताकि दूर से अगर कोई फिनिश को जो है उठाने की ट्राई ना करे, बट वो बंदा जो है हमारी टीममेट को कह सकते फिनिश कर जाता है, इन बदले हम भी उसको फिनिश कर देते हैं। ऊपर का गाड़ी का कवर बनाना पड़ेगा, फिलहाल ये वाला कंपाउंड छोड़ के सारी की सारी जगह जो है बिल्कुल ओपन में थी। नियर टू 30 बंदे जिंदा थे, 27 के करीबन, ठीक है, सब लोग ओपन में थे, तो हमने सोचा क्यों ना ओपन में जाया जाए। अब मेरे को लगा कि ये लोग ड्राइविंग करेंगे तो मैं गेट इन करके बैठ जाता, बट सब अपनी अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, हम दो ही बचे थे सिर्फ। फाइनली हम एक कवर में बैठते हैं यहाँ पे अभी।
उस घर की तरफ ही देखो। रुक रुक ऊपर। हाँ यहाँ देख रहा देख रहा। अब यहाँ पे जितनी भी टीमें लेट हुई थी उनका जो मेन मोटिव था कि वो सामने जो घर में बंदे लड़ रहे थे उनको मारना है सबसे पहले, तो क्योंकि उन्हीं को जोन में आना था एंड वही इजी किल थे यहाँ पे। लेकिन मेरे सामने भी कुछ बंदे थे अभी। मारो पे एक बार राइट। पेड़ के लेफ्ट में गया। बढ़िया लेटो। अरे नाइस। एक और है वहां पे। एक और मुझे आराम से। अब यहाँ पे जितना हो सके मैंने नॉक निकाली, फिनिश किया जितना हो सके, मतलब डैमेज दिया, लेकिन एमो थोड़ी सी खत्म हो रही थी, थोड़ी सी के खत्म भी हो गई थी बिल्कुल। तो मेरे टीममेट से मैं थोड़ी सी एमो मांगता हूँ यहाँ पे। अब जोन हम पे नहीं बनने वाला था, इतना तो पता था, हम एच पे थे, तो जोन के जब जोन बनता है तो मैं जोन में जाने की ट्राई करता हूँ। अब सामने मेरे को एक बंदा दिखता है, अब मैं सोच रहा था मारूं नहीं मारूं, और सबसे बड़ी गलती जो मैं यहाँ पे करता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं खड़ा होता तो मैं जो है चारों तरफ से ऑलमोस्ट एक्सपोज हो जाता हूँ। अब बंदा दिखता है मेरे को यहाँ पे सबसे आगे, तो मेरे को दिख गया था वो हल्का सा, लेकिन वो इतनी देर में लोकेशन बदल चुका था। और वही होता है जो मैंने खड़ा होकर वहाँ पे जो है थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज कर दिया था। अब मेरे टीममेट बचा हुआ था, लेकिन क्योंकि मेरे टीममेट के पास जाके मैं उसकी लोकेशन रिवील नहीं करना चाहता था, वहाँ पे रिवाइव तो हो नहीं सकता था, तो मैं जो है सबसे पहले तो उल्टी दिशा में चलने लग जाता हूँ ताकि थोड़ा सा और रैंक पॉइंट मिल जाए उनको, और जोन के बाहर चला जाता हूँ कुल मिला के। अब ये वाले मैच में जो हमारी रैंक आई वो थी टीम रैंक 4। हालांकि जिस सिचुएशन से हम वहाँ से निकल के आए जर्की से एंड उसके बाद पूरा जोन को काटते हुए 1 HP में सर्वाइव किया, बहुत ही मुश्किल था ये वाला मैच, बट काफ़ी एकदम इंटरेस्टिंग मैच रहा जो कि मैंने आपको दिखाया। सो आई होप यार आपको ये वाली वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। हम जीत नहीं पाए ये वाला मैच, जिसका थोड़ा सा दुख इसलिए भी है क्योंकि सब बंदे हम जो है आखिर तक जिंदा नहीं रहे, एक एक करके जो है धीरे धीरे निपटते गए, और लास्ट में एक आखिरी बंदा जिंदा था हमारा, जबकि वो भी बाद में जो है #4 पे आके जो है फिनिश हो जाता है क्योंकि सब ओपन में था। तो ऐसे में अगर फायर करोगे किसी पे भी तो भाई आदमी खुद की लोकेशन भी एक्सपोज करवा देता है, तो ऐसे में जो है वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट कोई बात नहीं, दोबारा मैच में फिर से ट्राई करेंगे। फिलहाल के लिए यही था वीडियो में, सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और अपने भाई को जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।